लगातार आपके ऊपर एक इल्जाम किया जा रहा है कि कांग्रेस के तरफ से और एसडीपीआई हो पीएफआई हो ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि ईश्वरप्पा जी ये सारे चीजों के शुरू होने के मेन रीजन है उनके स्टेटमेंट्स उनके बयान ये लगातार ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हैं। सर यही नहीं श्रीमाल जी ने भी यही बात कही है कि बहुत सारे वीएचपी ने भी यही बात कही है मैंगलोर में कि अगर पीएफआई या सीएफआई को अगर बैन कर दिया जाएगा तो हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम उनका सपोर्ट करेंगे। देखो हिंदुत्व वाले इस देश को नरेंद्र मोदी जी और हिंदुत्व दोनों को रक्षा करने के लिए बीजेपी ही चाहिए, सबको ही मालूम है। ये तात्कालिक आक्रोश तो है, हमारा सरकार कर्नाटक में भी है, हमारा सरकार केंद्र में मोदी सरकार भी है। ऐसा हुआ तो भी दो हमारा कार्यकर्ताओं का हत्या हो गया है, इसलिए आक्रोश तो मुझे भी है आक्रोश भी है। उसी तरफ पे हम सबको पेन भी है, हमारा दो कार्यकर्ताओं को हम तो उसको मारने के लिए वो तो मर गया, लेकिन उसको कौन रीजन है, इसके कारण कौन है? एक ये कारण तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, केवल शिमोगा नहीं, साउथ केंद्र नहीं, सारे स्टेट्स नहीं, सारे देश में ये एंटी नेशनलिस्ट पीएफआई हो एडीपीआई हो उनको सपोर्ट तो मैं डायरेक्टली अटैक करना चाहता हूं। कांग्रेस ही उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल शिमोगा के एसडीपीए वर्कर है, वो अभी तो वो जेल में है, उनका पत्नी कांग्रेस महानगर पालिका का कारपोरेटर है। वो आकर इधर सभी महात्मा लोगों का महापुरुष लोगों का उधर फोटो स्टार, वो आकर सिर्फ सावरकर जी का फोटो काट कर दिया पहले, बाद में उसके साथ साथ वल्लभ भाई पटेल जी का और दूसरा हमारा महापुरुष का काट कर दिया। इसको अभी सभी भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता हमारे अध्यक्ष जगदीश के नेतृत्व में उधर प्रोटेस्ट किया, कॉम से हम प्रोटेस्ट किया, बहुत शांत से हम प्रोटेस्ट किया। कौन एक काम किया है, सावरकर को अपमान किया है, क्रांतिवीर सावरकर है, स्वतंत्र होराटगार है, उनका फोटो कौन खत्म किया है? उनको इमीडिएटली तुरंत उनको अरेस्ट करना है, उनके ऊपर एक्शन लेना है, हमारा डिमांड था। हमारा अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी हमारा कार्यकर्ता उधर बैठा था, बाद में विद इन 24 आवर्स स्टेट गवर्नमेंट और पोलिस ऑफिशियल्स वो कल्प्रिट को अरेस्ट किया है, वो तो अभी जेल में है। लेकिन आपके ऊपर